कल से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसयूटी मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ उर्फ सलीम के सगे भांजे पर धर्मांतरण का आरोप है। लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। लांबा खेड़ा के रहवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ईंटखेड़ी पुलिस से लोगों ने शिकायत की है। सौरभ के भांजे की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर शिकायत की गई। बड़ी खबर भोपाल से, एसयूटी मामले में यह बड़ा खुलासा है। सौरभ उर्फ सलीम के सगे भांजे पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। सलीम बने युवक ने भी भोपाल में कई धर्मांतरण कराए हैं। अगर बात करें तो सौरभ से सलीम बना युवक, उसका एक जो रियल भांजा है वो भी भोपाल में रहता है, लामाखेड़ा में रहता है, और लोगों का जो कहना है कि उसने भी धर्मांतरण किया है। हम जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका। सुव्रत जैन के नाम से उसे हम लोग सब जानते थे, और जैसा कि अभी एचयूटी में पता चला कि वो उनके जो मेन सरगना है वो सौरभ का जो है वो सगा मामा है। अच्छा। और ये जो सुव्रत है इसने भी धर्म परिवर्तन करके और मोमडन धर्म अपना लिया। हाँ, बताया जा रहा है यहाँ पर रह रहा है और शादी भी की उसने किसी लड़की से। हाँ, इसने एक हिंदू लड़की से शादी की है और यही रह रहा है। ऑफिस भी यही डाला हुआ है। कहाँ पर ऑफिस? यही डाला है, लामाखेड़े में डाला है, डीमार्ट के पास। तो क्या लग रहा है कि इसकी जो है गतिविधि संदिग्ध होगी कुछ ना कुछ? अब जैसे अभी हमने जैसे एचयूटी ने पकड़ा, तो अब उसकी गतिविधि संदिग्ध कैसे थी वो तो आम आदमी को पता नहीं चलता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी स्थिति क्या है या ये क्या कर रहा है, लेकिन जिस तरह अभी मीडिया में बताया गया है कि भाई उसने धर्मांतरण भी किया, कई लोगों को करवाया भी है, और फिर वो हेट स्पीच भी देता है, तो हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मामा है, तो हो सकता है कि ये उसी में लिप्त हो। देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। मगर फिलहाल एचयूटी मामले में एक नया अपडेट है कि सौरभ ने अपने भांजे को भी धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बना लिया था। पुलिस और एनआईए क्या इस पूरे मामले में छानबीन कर पाएगी? कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 लामाखेड़ा।